So today we'll start with question number 8, then we'll move to question number 10. Okay, 9th we have already done here in the previous lecture. So question number 8 is different and is important. See, we have wages more than a number of workers. The following distribution of 60 workers according to wages in a certain factory. Now listen to me very carefully. When it is given wages more than, and the frequency number of workers are given here, in rupees, this is in rupees, so it will start from 8,000 to 16,000. 8,000, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000, 13,000, 14,000, 15,000, and 16,000. And we have frequency as 160. 155, 137, 103, 57, 23, 10, 1, 0, 10, 1, and 0. चलो अभी बात ध्यान से समझना. पहले तो इसको क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्लास इंटरवल. कैसे कन्वर्ट होगा? मोर देन 8,000, सो विल राइट 8,000 से 9,000, बिकॉज़ नेक्स्ट क्लास इज 9,000. सुनना बहुत ध्यान से, क्लास इंटरवल में कैसे कन्वर्ट करना है. 8,000 से ज्यादा है तो ज्यादा कितना होगा? 9,000 तक. सो इट विल बी फ्रॉम 8,000 टू 9,000. नेक्स्ट क्लास विल बी फ्रॉम 9,000 टू 10,000, 10,000 टू 11,000, 11,000 to 12,000, 12,000 to 13,000, 13,000 to 14,000, 14,000 to 15,000, 15,000 to 16,000, and last class will be 16,000 to 17,000. Here we have given the frequency. यहाँ पे जो frequency है ना, ये मोर देन सी एफ है. दिस इज गिवन एज मोर देन सी एफ, याद रखना. सो राइट हियर मोर देन सी एफ. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी. सो दिस विल बी 0, 1, 10, विल राइट 160, 155, 137, 103, 57, 23, 160, 155, 137. पहले क्लास का लिखा 160, दूसरे क्लास का लिखा 155, तीसरे क्लास का लिखा 137, चौथे का लिखा 103, पांचवे का 57, छठे का 23. ये 10, ये 1 और ये 0. अभी ध्यान से समझना, ये जो दिया है उसको पहले क्लास इंटरवल में लिया, ये जो दिया उसको क्लास इंटरवल में कन्वर्ट किया, और ये जो फ्रीक्वेंसी था वो मोर देन सीएफ वन है. अभी फ्रीक्वेंसी कैसे निकालूंगा? ये फ्रीक्वेंसी 0 का 0 एज इट इज लिखो, फिर दोनों का डिफरेंस लो, ऊपर वाला वैल्यू माइनस नीचे वाला वैल्यू. दिस माइनस 1 माइनस 0 विल बी 1, 10 माइनस 1 विल बी 9, 23 minus 10 will be 15, 57 minus 23, 34, 103 minus 57 will be 46, will be 46, 137 minus 103 will be 34, 155 minus 137, 15, 8. 418, and this will be 5. The most important thing, I'll repeat once again what the
क्वेश्चन इज वी हैव गिवन मोर वेजेस मोर देन, यहाँ पे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ये मोर देन, एवरीवन प्लीज कीप अटेंशन. एंड वर्ड मोर देन मींस वी हैव गिवन 8000, 9000, 10000, सो दिस इज मोर देन 8000, मोर देन 9000 एंड मोर देन 16000, एंड कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी इज 160 से लेके जीरो तक. फर्स्ट थिंग we need to convert this into class interval, that is from 8000 to 9000, 9000 to 10000, 10000 to 11000 and up to 16000. So we have done that, 8000 to 9000, 9 to 10, 10 to 11 and up to 16 to 70. But the most important thing, when it is here more than or less than, the corresponding values will be more than CF or less than CF. So write this into third column. 160, 155 to 0. Now, you write the first value or the last value as it is 0 ka 0, 0 ka 0. And how this one will be calculated? Upper value minus lower value. 1 minus 0 will be 1. Minus 10 will be 13. 57 minus 23 will be 34. 103 minus 57 is 46. 137 minus 103, 34. 150 minus 137, 18. 160 minus 155. बोलो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है? सर ये क्लास इंटरवल करने का वो लिखा किधर है? पर बिना क्लास इंटरवल का सम सॉल्व कैसे होगा मेरे भाई? हाँ हाँ वो तो करना ही पड़ेगा तुझे, बराबर. और मोर देन 8000 मतलब कितना, ये भी तो क्वेश्चन है. उसने पहला फ्रीक्वेंस, पहला जो कॉलम बोला है वेज इज मोर देन 8000, तो मोर देन 8000 तो कितना भी ले सकता है तू, उसका तो कोई लिमिटिंग वैल्यू आना चाहिए ना. इसके लिए क्लास इंटरवल में डालना जरूरी है. सो व्हेन यू पुट इट इनटू क्लास इंटरवल यू हैव द एग्जैक्ट वैल्यू दैट इज फ्रॉम 8000 टू 9000. गेटिंग इट? गुड क्वेश्चन, शाबाश, वेरी गुड ड्रो. और कोई क्वेश्चन है किसी को? बिंदास पूछो, अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस. चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन में पूछा है डिटरमाइन ऑल द क्वार्टाइल्स. चलो पहले ये लिख लो, ये बना लो टेबल. डायरेक्ट आप आंसर लिखोगे तो भी चलेगा. आई एम सॉरी क्योंकि आएगा नहीं मेरे बोर्ड में, ये मेरे को ये पूरा निकालना पड़ेगा. Write down this table only. हो गया? हाँ सर. चलो आगे बढ़ते हैं. अभी अपन Q1, Q2 एंड Q3 निकालेंगे. एंड रिमूविंग द क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन है वो निकाल देता हूँ. क्वेश्चन आपके पास टेक्स्ट बुक में भी है. चलो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू, दिस इज योर एन. अभी ये उल्टा जाएगा. अभी अपने को एन हमेशा नीचे मिलता है, इसमें मोर देन है तो एन हमेशा ऊपर मिलेगा. सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल Q1 करेंगे. Q1 के लिए पहले फाइंड करो एन बाई फोर. फॉर Q1 एन बाई फोर, एन कितना है? 160. 160 बाई फोर कितना आएगा? 40. 40 देखो कौन से दो नंबर के बीच में जाता है. 40 कौन से दो नंबर के बीच में जाता है?
सेम कंसेप्ट यूज करना है लास्ट लेक्चर के जैसा. इन लास्ट कॉलम फोर्टाइज बिटवीन 57 एंड 23, सो यू हैव टू मार्क 57. वेरी गुड ध्रुव, दिस विल बी योर Q1 क्लास. सो हियर L1 इक्वल्स टू 12,000, L2 इक्वल्स टू 13,000, F इक्वल्स टू 34 एंड CF. जब आप CF लोगे तो आपको एक क्लास नीचे लेना पड़ेगा 23. मेक नोट हियर, प्लीज नोट, व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज मोर देन यू हैव टू टेक क्लास बिलो. हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे चाहिए तो लिखो मेंटोस. मेंटोस क्यों लिखने का? क्योंकि मेंटोस खाने से दिमाग की बत्ती जलती है, ऐसा वो एडवर्टाइज में बोलते हैं, असली में होता है कि मालूम नहीं. N/4 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू L2 माइनस L1. L1 का वैल्यू है 12,000, N/4 अपने पास है 40, सी एफ कितना लिया है 23, एफ कितना लिया है 34. 13,000 माइनस 12,000 1,000. 12,000 प्लस ये कितना बचा 17, डिवाइड बाई 34 इंटू 1,000. 17 टू जा 2 इंटू 500, सो 12,500 आ गया Q1. कॉपी. बोलो कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज क्या था, ये अगर आपने इसके ऊपर वाला वैल्यू ले लिया एज यूजुअल तो गलत हो जाएगा, आंसर रॉन्ग, मार्क्स कटेंगे. हो जाएगा वैसे, बोलो विल स्टार्ट Q2 हो गया. बाकी लोग दश, हिमांशु, रिया, आशना, हो गया सर. वेरी गुड. रिया हो गया सर. चल आगे बढ़े. विल स्टार्ट Q2 के लिए अपने को निकालना पड़ेगा 2n/4. Q2 will be 2n/4. Into n is 160/4. 42 za 80. 80 lies between 103 and 57. Highest number is 57. This is our Q2 class. So here L1 is 11,000. L2 is 12,000. F will be 46. And CF will be 57. Q2 L1 plus 2n/4 minus CF upon F into L2 minus L1. L1 is 11,000 plus 2n/4 is 80 minus CF 57 upon F 46 into 1000. This will be 11,000 plus 87 minus 23, 46 into 100 into 1000.
ये और ये कट हुआ 500, सो आंसर इज 11,500. So you got Q2 as 11,500. Easy. Then, आराम से करो, कोई गाय नहीं है. टेक योर टाइम. हो जाएगा तो खाली बोलो. सर वो लास्ट का फिर से बोलो ना. कौन सा? ये देखो 23/46 कट हुआ, 2 बचा, 2000 कट हुआ, 500 बचा, 11000 प्लस 500, 11500. हाँ done? Yes, so, sir. Very good. So now for Q3 ke liye nikalenge apan 3n/4, 3 × 40, 120. 120 lies between 137 and 03. This will be Q3 class. So this will be how much? 10,000. This will be 11,000. Frequency will be 34, and this will be 103. Only change will be the Q3 3n/4. Simple, easier. L1 had 10,000 plus 3n/4 120. CF 103, F 34, और ये दोनों का गैप आएगा 1000. 10,000 plus 17/34 × 1000, again this will be 10,500. So Q3 is 10,500. Simple. अच्छा है, सिंपल कैलकुलेशन देंगे ना तो बढ़िया है. चलो और कोई क्वेश्चन दिमाग में हो तो पूछो. We'll start 10th one. इसके बाद प्रैक्टिस करो इसका. इसमें कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो पूछो.
हो गया। हाँ सर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, सिर्फ ये वाला क्वेश्चन ट्रिकी है, क्वेश्चन नंबर 8 इज ट्रिकी, इसको आपको प्रैक्टिस करना है सो दैट यू डोंट मिस आउट द इम्पोर्टेंट स्टेप्स। प्लीज प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज इन दिस क्वेश्चन एंड मोस्ट प्रोबेबली आप इसमें गलतियां भी कर बैठोगे विदाउट प्रैक्टिस। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 1.1, फाइंड आउट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 1504, व्हाट इज मीडियन, दिस इज Q2, 1504। एक सब अपन ने पहले ही किया हुआ है मिसिंग फ्रीक्वेंसी का, लेकिन उसमें दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी था, इसमें एक ही मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। लाइफ इन आवर्स कंसेप्ट विल रिमेन सेम, लाइफ इन आवर्स इज गिवन एंड नंबर ऑफ बल्ब्स, नंबर ऑफ बल्ब्स दिस इज गिवन, सो दिस इज वी हैव लेस देन CF, one nine five zero say one three five zero one three five zero say one five five zero one five five zero one seven five zero one seven five zero say one nine five zero and one nine five zero say one one nine five zero say 2150। ट्वेंटी 43 100 -23 and 30, इसको अपन ले लेते हैं ए। CF बना दो, 20 + 43 = 63 + 8 (3×8=8), 199 + 8 चेक कर लेते हैं, 43 + 20 = 63 + 63 + 8 (3×6=6), 6 + 2=8 = 189। चलो अभी मुझे बताओ कैसे सिलेक्ट करोगे, Q2 प्लस कैसे सिलेक्ट करोगे, we don't have frequency, which class you will select and on what basis? 99 + A = 15 this is Q2 here, n = 199 + A, so n/2 will be 199 + A/2. Here Q2 is given 1504. 1504 lies between 150, 1550 and 1750. So we'll select this class. Based on this, पहले भी मैंने आपको बताया था, based on जब frequency missing होगा तो आपको Q2 कौन से दो class interval के बीच में lie करता है उससे पता करना है। Revise करो, भूल गए, सो ये वाला क्लास आ गया। सो हियर L1 इज 1550, L2 इज 1750, F विल बी A एंड CF विल बी वन क्लास अबव व्हिच इज 163। Q1 = L1 + n/2 - CF/F L2 - L1, L1 कितना 1550 plus n/2 199 + A/2 CF 163 CF/F, F का वैल्यू है A into ये दोनों का गैप है 200। Q1 अपने को देके रखा है 1504, देख लो मैं फिर से बोलता हूँ, Q1 है, सॉरी Q2 है,
Q2 1504, L1 का वैल्यू 1550, NY2 का वैल्यू 199 प्लस A अपॉन 2, माइनस CF का वैल्यू 163, F का वैल्यू A और L2 माइनस L1 का वैल्यू 200. बहुत ध्यान से सुनना, इसमें भी आपकी गड़बड़ होने के फुल चांस. पहले ये इधर लेके आके माइनस करो, 1504 माइनस, गड़बड़ किया है अपन ने. दिस विल लाई बिटवीन दिस क्लास नॉट दिस क्लास. Getting it? See how sir, so ये A है ना? Correct. This class will be there. So ये आएगा CF. We have done selection wrong. N by 2 again. L1 कितना? 1350. ये 1550. ये है 100. और CF है 63. So this is 1505, 1350 ये बराबर, CF का वैल्यू ये, A का वैल्यू दिस, ये तो 200 बराबर है. तो ये 100 और ये 200 उड़ गया, 2 बचा. ये बाजू लेके जाओ, 1504 माइनस 1350, तो यहाँ पे बचेगा इज इक्वल टू 199 प्लस A अपॉन 2 माइनस 63 इंटू 2. Into 2 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा. माइनस करो, 4 माइनस 0 विल बी 4, 10 माइनस 5 विल बी 5, 4 माइनस 3 विल बी 1, डिवाइड बाय 2, 199 प्लस ए अपॉन 2. ये 2 जो है ना मल्टीप्लिकेशन वाला, वो इधर डिवाइड हो गया. ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 7 2 14 199 प्लस A बाई 2 माइनस 63, 77 प्लस 63, 199 प्लस A बाई 2, 7 प्लस 3 10 कैरी 1, 7 16, 7 प्लस 6 13 प्लस 1 14, बराबर इनटू 2, 199 प्लस A, दिस विल बी 280 माइनस 199 इक्वल्स टू A, 199 प्लस 2 1, कितना बचेगा 191, सो A इक्वल्स टू 91. फाइनली चेक, एक स्टेप बाय स्टेप जाते जाओ और जहां पे नहीं समझा वहां पे पूछो. ईच एंड एवरी स्टेप देखो पहले, और कौन सा स्टेप नहीं समझा बोलो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा आपको. One five zero five lies between this 1350 and 1550. With not this, ये वाले क्लास पे लाई नहीं करता. So L1 L2, ये L1 ये L2 ये F और ये CF. Clear? Just then substitute the value. Q2 का value है 1504, L1 का value 1350, N by 2 का value 199 plus A by 2, CF का value 63, F का value 100, L2 minus L1 200. ये 2020 गया, यहाँ पे 2 बचा है और ये तो पार्ट पूरा बचेगा. ये बाजू आके माइनस हो गया, तो 1504 minus 1350 is 154. ये मल्टीप्लाइड बाई 2 है, यहाँ पे आएगा तो डिवाइड बाई 2 हो गया. ये सेम बचेगा 199 प्लस ए बाई 2 माइनस 63, 154 डिवाइड बाई 2 हो गया 77, माइनस 63 प्लस हो जाएगा यहाँ पे आके, दोनों ऐड किया 140, ये 2 इधर आया, इंटू 2 हो गया, डिवीजन में है, इंटू 2 आ गया, 280 प्लस 199 माइनस हो गया, ए का वैल्यू 91. फिर भी अगर कुछ क्वेश्चन है तो पूछो, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन आस्क मी.
सर बोलना भाई, वो n अपॉन 2 तो 2n अपॉन 2 होएगा ना, 2n अपॉन 4 होएगा ना बेटा, 2n अपॉन 4 होता है, सुन हां n अपॉन 4, तो ये 4 और ये 2 कटा तो n अपॉन 2 बचता ना बेटा। हां मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखा, टू एन अपॉन 4 भी लिखेगा तो भी सेम ही आएगा। हो गया, हो गया क्या? हाँ सर। हाँ सर। वेरी गुड, चलो बढ़िया। सो दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज डन, नाउ सेकंड एक्सरसाइज चालू करना है अभी या नेक्स्ट लेक्चर? बोलो बिंदास, बोलो नेक्स्ट लेक्चर। आई कैन गिव यू द फॉर्मूलास नाउ। ओके चलो फॉर्मूलास लिख लेंगे पहले, सम बाद में सॉल्व करेंगे। विल राइट ओनली फॉर्मूलास फॉर द सेकंड एक्सरसाइज। नाउ वी हैव सीन द क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स डिवाइड्स द गिवन व्हाट यू से गिवन पार्ट गिवन टर्म इनटू फोर पार्ट्स। क्वार्टाइल्स चार पार्ट में डिवाइड करता है। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। जस्ट राइट डाउन, डेसाइल डिवाइड्स द गिवन डेटा इनटू 10 पार्ट्स एंड परसेंटाइल डिवाइड्स द गिवन डेटा इनटू 100 पार्ट्स। ओके सो द फॉर्मूला विल बी d1, या अपन वी कैन से dk, k विल बी 1 टू 10, k will be from 1 to 10, huh? K can take any value from 1 to 10, k into n plus 1 upon 10th observation. So what will be the value of d4?
If I want to find out d4, so replace k by 4. So d4, 4 into n plus 1 upon 4 into n plus 1 upon 10th observation. If I want to find out d9, so d9 equals to 9 into n plus 1 upon 10th observation. Clear? Similarly, this is 100 parts. So we can say pk will be k into n plus 1 upon 100 observation. बराबर अभी मुझे कि P84 find करना है तो क्या formula आएगा 84 into n plus 1 upon 100 observation. बराबर ये कितने part में आएगा 10 part मतलब D1 से लेके D10 तक का formula ये 100 part P1 से लेके P100 तक का formula ये for raw data. Now for class interval के लिए डी के फॉर्मूला सेम आएगा खाली डिवाइड बाई 10 हो जाएगा डी के एल वन प्लस के इंटू एन बाई 10 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एल टू माइनस एल वन दिस इज शॉर्टकट फॉर्मूला सो पी के विल बी एल वन प्लस सेम फॉर्मूला के इंटू एन बाई 100 माइनस सी एफ अपॉन एफ डिवाइड बाई 4 होगा डेसाइल पूछा है डिवाइड बाई 10 होगा परसेंटाइल पूछा है डिवाइड बाई 100 होगा सिंपल बात कोई क्वेश्चन है दिमाग में तो पूछो कोई भी क्वेश्चन है दिमाग में तो पूछो राइट डाउन हियर रिलेशंस बिटवीन quartile, decile and percentile. Amen. Quartile, decile and percentile. Q2 is the middle value, B5 will be the middle value and P50 is the middle value. ये तीनों का आंसर सेम आएगा. So Q2, B5 and P50 will be equal. Q1 will be equals to 25%, that is P25. This is important, huh? And Q3 equals to P75. Remember this. Can you tell me what is D1 equals to? P kidna? D1 equals to P how much? And P30 equals to D kitna and D7 equals to P kitna. Chalo, batao aur khatam. Next lecture will start exercise 1.2.
बोलो इसको यहाँ पे आंसर मुझे दो, एक दो तीन, एक दो तीन, क्या आंसर आपके दिमाग में बोलो, कोई बात नहीं, रॉन्ग तो रॉन्ग। D1 इज इक्वल टू P कितना, नहीं P12 नहीं, अब ये बात सेकंड वाला, सेकंड वाला ये नहीं। हाँ नहीं, एक बात समझ, ये कितने पार्ट है भाई, 10, और ये कितने पार्ट है, 100, अभी समझ के आंसर दे एवरीवन। D1 इज इक्वल टू P10, क्या बात है, शाबाश, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट D3, क्या बात है, वेरी गुड, 70, बहुत बढ़िया, 10 का मल्टीपल समझ के चलने का, 10 times 100, so D1 equals to P10, D3 equals to P30, D7 equals to P70, yes, very good, शाबाश। Now what you do is, एक पेज बनाओ, उसके ऊपर क्वार्टाइल्स के फॉर्मूले, Q1, Q2, Q3, रॉ डेटा और फ्रीक्वेंसी ग्रुप डेटा, उसके फॉर्मूला, डेसाइल और परसेंटाइल के, रॉ डेटा एंड ग्रुप डेटा के फॉर्मूला लिखो और फोटो निकाल के मुझे भेजना है, आज का होमवर्क, और क्वेश्चन नंबर जो 8 सॉल्व किया उसको रिवाइज करना है, ठीक है, जैसे ये चैप्टर खत्म होगा इसका टेस्ट लिया जाएगा। चलो ओके, बाय बाय, मिलते हैं मंडे को, बाय सर, बाय बाय सर, बाय सर, बाय बेटा।